करने से पहले पानी से अच्छे से धो ले ताकि वहाँ कुछ भी ख़राब ना रहे, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। हाथ फिरा फिरा कर पाक से धो लेना चाहिए। उसके बाद आप दूध धो सकते हैं। देखिए हमारा, हमने 3 लीटर का केटल लिया है, हमने इसमें 3 लीटर दूध जमा हो सकता है, सो हमने धोना स्टार्ट कर दिया है। चलिए हमारा टिफ़न भर चुका है, ये 3 लीटर का टिफ़न है, इसमें सारा दूध हो चुका है। अब हमें दूसरा कुछ और लेना चाहिए दूध निकालने के लिए, सो हमने जग ले लिया, ये 1 लीटर का जग भी भर चुका है, सो हम इसको एक्सचेंज करेंगे और दूसरे से। सो हमारी गाय रोज़ सुबह 4 से 5 लीटर तक दूध देती है, उसमें हम 4 लीटर निकाल चुके हैं और ये 5वां लीटर है, देखते हैं कि कितना लीटर दूध देगी। सो आप देख सकते हैं वहाँ 3 लीटर + 1 लीटर 4 लीटर, और हम 5वां लीटर धो रहे हैं। शायद हमें 1 लीटर दूध अपने गाय के बच्चे के लिए छोड़ देना चाहिए। सो हमने 1 लीटर डेली, हम 1 लीटर गाय के बच्चे के लिए हम छोड़ देते हैं। ये हमारी गाय का बच्चा है, सो हमने इसे दूध पीने के लिए छोड़ दिया। हमने 4 लीटर दूध निकाल लिया और इसको हर सुबह 1 लीटर दूध पीने के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये पीकर स्ट्रांग रहे और मज़बूत रहे। सो हर एक बच्चे को छोड़ना चाहिए उसकी माँ का दूध पीने के लिए, सो हमने छोड़ दिया। हमारी गाय 4 से 5 लीटर दूध देती है और 4 लीटर हमने निकाल लिया और 1 लीटर इसे छोड़ दिया। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू दिखाए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक ज़रूर पहुंच सके। सो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।